ये देखो हर एक एबीबी रिले जो है इन इंग्लिश हिंदी तो है ये एबीबी बेस है, एबीबी बेस का जो भी रिले टेस्ट कर रहे हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहता है रिले। इसके रिले का कॉन्फ़िगरेशन पूरा ऐसा है, एक अगर रिले हम लोग कंसिडर करेंगे तो 11 से 18 और 21 से 28 कॉमन है। तो कॉइल कॉइल पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल थोड़े कॉइल्स में थोड़े उसमें 11 21 कॉइल रहता है बाकी के पूरे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। दूसरे उसमें अब इसमें फॉर एग्जांपल 11 और 21 एक कॉइल है, 18 और 28 और एक कॉइल है। हम लोग इसको टेस्ट कैसे करते हैं बोल के बोलो तो एक कॉइल को एनर्जाइज करके दूसरे का कॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं। तो अभी अब ये कॉइल एनर्जाइज करो तो इसका पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ है, तो दूसरे कॉइल का लेने का जरूरत नहीं, सेम होगा। लेकिन फॉर ड्रेन करंट, ड्रेन करंट का दोनों कॉइल का अलग अलग है। इसके ऊपर अगर आप एनर्जाइज करके ये चेक करेंगे ड्रेन करंट विल बी हाई, इसको आप एनर्जाइज करके इसको चेक करेंगे तो ड्रेन करंट विल बी लेस। तो ये दोनों का ड्रेन करंट हमको चाहिए, तो एक को एनर्जाइज करना है दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करना है। सेम सेम फॉर टाइमिंग, इसको कॉन्स्टेंट रख देखें इसका ऑपरेटिंग और रिसेट टाइम चेक करना, बस यही है। तो इसका कनेक्शन कैसा है बोल के बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये स्वर्कर है, ये आपको जो स्वर्कर दिख रहा है इसके बाद में ये स्टार्ट कॉन्टैक्ट है, ये स्टॉप कॉन्टैक्ट है, ये स्टार्ट कॉन्टैक्ट जो है हम लोग अगर एमसीबी यूज़ कर रहे हैं तो एमसीबी का एक पोल इधर आना चाहिए, एक एमसीबी जो है एमसीबी ले लो एमसीबी। ये फॉर एग्जांपल आपका कॉइल है, ये आपका डीसी सोर्स है, तो आपको कैसा करना है, ये आपका कॉइल है, ये आपका डीसी सोर्स है, तो इसके आपके कनेक्शन ऐसा रहना चाहिए। एमीटर हमेशा सीरीज में आना चाहिए, वोल्टमीटर का एमीटर सीरीज में आएगा तो करंट क्या फ्लो रहा है आपको एग्जैक्टली मालूम होगा, तो करंट रीडिंग्स यहाँ पे मिलेंगे। वोल्टमीटर पैरेलल में क्यों बोले तो वोल्टेज इज जनरेटेड अक्रॉस टर्मिनल, तो यहाँ पे टर्मिनल पे जो वोल्टेज है आपको वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो ये डायरेक्टली वोल्टेज इधर आएगा, मतलब कुछ भी कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ना, कॉइल्स ऐसा कुछ नहीं है, जो भी डायरेक्टली कॉइल पे आएगा वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन, तो कैसा कनेक्शन करना है बोल के बोले तो कॉइल के तरफ पहले वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लो, जम्पर से लीड जम्पर, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका एमीटर, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन वोल्ट मीटर का कैसा रहता, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, और कनेक्ट करो और आप इसी को सही नहीं है यहाँ पे जनरेट करेंगे ना आपको मिल जाएगा। या आप एसी में है अभी, इसको डीसी में सेलेक्ट कर लेना, क्यों आप डीसी पे काम कर रहे हो, और ये पावर जो है वैट्स में, सेलेक्ट कर लिया, तीन हो गया। अभी आप जो वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप रीडिंग्स चेंज कर देख सकते हैं, आ गया, अगर आप ये निकाल दोगे नहीं आता, नहीं आएगा। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपको एमीटर सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है कैसा, आप पॉजिटिव पॉजिटिव लो कुछ भी ले लो मसला ना, ये भी सीरीज में है करंट, सही नहीं मिलेगा, ये भी सीरीज में है, नेगेटिव जो कॉइल का है डायरेक्टली नेगेटिव आया, लेकिन पॉजिटिव जो है आपको पॉजिटिव रोकना और अलातुल भेजना है, तो आप एमसीबी के जरिए लेना, पॉजिटिव जहाँ से आएगा पॉजिटिव का एक पोल और एक पोल जो है एमसीबी का पॉजिटिव के लिए लेना, मतलब पॉजिटिव आप रोक रहे कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए, यहाँ पे कॉइल को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करना है, यहाँ पे एमसीबी आप कनेक्ट करना है, आप एमसीबी ऑन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा तब कॉइल एनर्जाइज होगा, अगर निकाल देंगे ऑफ करेंगे तो कट हो जाएगा, मतलब डी एनर्जाइज हो जाएगा, यही मसला है बस ये जो है, और एक पोल जो है आप पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल, ये ले लो यहाँ, और ये और एक जो है इसका जो जा रहा है ये ले लो, एक और पॉजिटिव इसका एनर्जी था कि कौन सा है 11 पे लगा, 11 इधर 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 11 किधर है, अभी आप नेगेटिव किधर चाहिए, 21 पे चाहिए, ये डायरेक्टली अलातुल नेगेटिव है, कॉमन नेगेटिव है, एक लीड ले लो
और 21 पे लेवल अभी आपका एक कॉल रेडी हो गया 21 है सही है 11 पे पॉजिटिव है 21 पे नेगेटिव है अभी आपका एक कॉल रेडी है अभी कॉन्टैक्ट्स फॉर एग्जांपल आप पिकअप हो रहा है या ड्रॉप ऑफ हो रहा कैसे पता चलेंगे आपको रिले में जो भी है फॉर एग्जाम्पल अगर 11:21 है तो बाहर के जो भी है कॉन्टैक्ट्स है इसमें दो NONC कॉन्टैक्ट है मतलब एक कॉन्टैक्ट कैसे रहता बोले तो नॉर्मली क्लोज और ओपन एनर्जाइज होगा कॉइल NC रहेगा फॉर एग्जाम्पल अभी एक कॉइल है इसका पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट्स रहते हैं पूरे ओपन कॉन्टैक्ट्स रहना बोल के नहीं थोड़े क्लोज भी हो सकते हैं थोड़े ओपन भी हो सकते हैं लेकिन जब ये कॉइल एनर्जाइज होगा ये पूरे रिवर्स होंगे यानी NO जो है NC हो जाएगा NC जो है NO हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट कोई एक कॉन्टैक्ट आप कंसिडर करके रिले को देना है यहाँ पर स्टॉप के लिए कोई भी कॉन्टैक्ट नेवर माइंड यानी इसमें फॉर एग्जांपल फॉर दिस रिले वी हैव 15-16 कॉन्टैक्ट्स कंसिडर जो नॉर्मली ओपन है जब कॉइल एनर्जाइज होगा ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा सेम ये ले लो और दो लीड्स ले सेम कलर नहीं सर डिफरेंट सही है 15 और 16 ठीक अभी जो है आप मैं बोला था ना एक कॉइल एनर्जाइज कैसे करना है इसको चेक कैसे करना है एक कॉइल आपको एनर्जाइज करना है तो दूसरा कॉइल चेक करना तो ये कॉइल जो एनर्जाइज करना है आपको 18 और 28 ये आप सेपरेट डायरेक्टली सप्लाई से लेना है और एक ऑलरेडी सप्लाई है DC का ये हम लोग ऑन मतलब ऑपरेट कर सकते हैं और ये है डायरेक्टली सप्लाई है ये डायरेक्ट सप्लाई है तो अपन ये कैसा है पहले ही चेक कर लेना क्या लीड सही है ये लीड से तो आप कम कर रहे हैं अभी आज ही क्यों सता रहा है आगे 127 बस ये वोल्टेज है यहाँ पर तो ये आला तो एनर्जाइज होने के लिए हम लोग एक कॉइल 125 सेट कर रहे हैं और ये लगा दो 18 दिस कमिंग 3 सेकंड एंड 1 सेकंड यस एग्जैक्ट यू नो यू ऑलरेडी टेस्ट दिस वन ये ले लो पॉजिटिव ले लो कॉइल में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट में मसला नहीं आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी लो इसमें पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है लगा दो 18 18 18 और नेगेटिव ले लो 28 पॉजिटिव है ये नेगेटिव ओके यहाँ पे तो हाँ अभी ओके है ये क्यों यहाँ पे तो आप कुछ भी इंजेक्ट नहीं करें ना मतलब एक कॉइल आपको एनर्जाइज है अभी फॉल्टी बता रहा जी दूसरा कॉइल एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करने पे इसका स्टेटस चेंज होगा फॉर एग्जांपल दूसरे और एक कॉइल जो है उसको आप एनर्जाइज करेंगे तो ये ट्रिप सर्किट ओके बताएगा यानी ट्रिप सर्किट हेल्थी है यानी ब्रेकर ट्रिप करने के लिए ब्रेकर रेडी है अगर ये फॉल्टी कंडीशन में है यानी दोनों कॉइल्स में से एक कॉइल एनर्जाइज नहीं है तो आप ब्रेकर ट्रिप नहीं कर सकते तो यही है इसका इस्तेमाल यही कर ट्रिप सर्क्यूट कंडीशन यानी ट्रिप सर्क्यूट पूरा सर्क्यूट का ट्रिप करने के लिए ओके है या नहीं है ब्रेकर हमेशा अब फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट आया तो ब्रेकर ओपन करना मतलब ब्रेकर ओपन करना बोले तो ब्रेकर हेल्दी रहना तो उसके चेक करने के लिए सुपरविजन ये रिले है ये स्टार्ट विद टफ रिले नो प्रॉब्लम फॉर प्री चेक ही विल चेक आफ्टर यस बस यानी आई टेल हिम दिस ये होल्ड ऑपरेशन क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन कॉन्टैक्ट डिटेक्ट करने के लिए जब आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट चेंज ओवर कैसा हो रहा क्या इंस्टेंट पे हो रहा है वो आपको कैच करके बताता है ये ड्रॉप ऑफ है ये ओके और ये पिकअप है इसको होल्ड कर दो ये देखो यहाँ पे स्टेटस चेंज है मतलब ये आपका पिकअप वोल्टेज और ऐसे ही ड्रॉप ऑफ भी होल्ड करके ये वैल्यू आपको नोट करना है टेस्ट रिपोर्ट ठीक है टिक करंट ये और करंट तो कुछ भी नहीं है तो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं ये ड्रॉप ऑफ है अभी आपको क्या करना है ड्रेन करंट यानी बर्डन है लेकिन इसमें बर्डन का वो नहीं
ये टेस्ट करना है आपको स्टार्ट एंड क्लोज फैशन तब तक मेंशन करना है और फिर यार भाई कर सकते हैं ना आप लोग एक बार करते हैं करो रेडी करो पूरा गेट ऑफ कर रहा हूं अभी अब ऑन करने के बाद क्या-क्या करना है पहले ये सेलेक्ट करना है ये वन मीटर वोल्ट मीटर सेलेक्ट कर इसके बाद में अद्रियान ब्लॉक फॉर डीसी में रहता है इसको डीसी में कन्वर्ट करना है नाउ बिकॉज़ दैट वी हैव ओनली वन कॉफ डीसी में कैसे करना है हां कनेक्ट कर आप दैट विल कनेक्ट नाउ ही राइट मेबी अब मरा यूली कलम द मोड हां استخدم انا مصاص بس شوف معايا المصاص ولا لا كالبريشن चेक करना है ये सेलेक्ट कर इसमें कौन सा एमीटर वोल्ट मीटर सेलेक्ट हो गया और ये पहले चेक कर लेना तो वोल्टमीटर से अभी इंजेक्ट हो गया अभी सेलेक्ट हो गया अभी इसको ऑन करो अभी ऑन नहीं है ये ऑन ऑफ है उसका टॉगल बटन ऑन करो इधर देखो चेक करो पहले एनर्जाइज हुआ नहीं हो गया मतलब यहाँ से आपको सप्लाई आ रहा है सही है बस अभी स्टार्ट कर दो करो ऑन करो